लोकसभा में कोई ऐसा मौका नहीं चूका था मैंने जहां आपकी बात रखी जा सके और काम करवाई जा सके। उस पर भी झूठ बोले, उस पर भी बोले कि ज्योति मिर्धा पार्लियामेंट में 30 या 32% इसकी अटेंडेंस है। अब आप मेरे को बताओ एक ऐसा झूठ, और आज मैं यहाँ से बोल रही हूँ गगवाड़ा से कि अडवाणी जी अगर आपसे कम मेरी अटेंडेंस है तो मैं मेरा सर मुंडवा लूंगी, और अगर आपकी मेरे से कम मैं तो कल ही जाकर के अपनी दाढ़ी और मुंह और सर मुंडवा करके। मेरी 93% अटेंडेंस है और उनकी 90% अटेंडेंस है। लेकिन क्या होता है, लोगों में मंच पे खड़े होकर के झूठ बोलने से लोगों को लगता है कि बात सही। मरुधरा में दो चरणों में 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को मतदान होना है। प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कर दिया है, अब चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक चुके हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी खूब चल रहा है, जिनके वार पलटवार भी सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक आरोप के जवाब में नागौर संसदीय सीट का माहौल गर्माया हुआ है। बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने तो खुद अपना सिर मुंडवा लेने का चैलेंज दे दिया है, तो वहीं अपोनेंट हनुमान बेनीवाल को भी दाढ़ी मूछ मुंडवा लेने तक की बात कह डाली है। दरअसल नागौर में कांग्रेस और आरएलपी उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल ने ज्योति मिर्धा पर साल 2009 से 2014 तक संसद के कार्यकाल के दौरान उनकी उपस्थिति को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि ज्योति मिर्धा संसद के सत्र के दौरान ज़्यादातर बाहर ही नहीं, यानी उनकी सदन के अंदर उपस्थिति बेहद कम थी। इसके जवाब में अब ज्योति मिर्धा का भी बयान सामने आया है। यही बयान नागौर के गांव इनाड़ा में दिया गया है। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने कहा है कि हनुमान बेनीवाल और मेरे में से लोकसभा सांसद बनने के बाद संसद में किसी की उपस्थिति ज़्यादा है या कम है इसका रजिस्टर देख लें। अगर हनुमान बेनीवाल की मेरे से ज़्यादा उपस्थित हो तो मैं इनाड़ा गांव के मंच पर ही अपना सिर मुंडवा लूँ, और अगर मेरी उपस्थिति हनुमान बेनीवाल से ज़्यादा हुई तो क्या हनुमान बेनीवाल अपना सिर और दाढ़ी इसी मंच पर आकर मुंडवाएंगे? ये चैलेंज भी नागौर की संसदीय सीट में डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल को दे दिया है। नागौर में चुनाव प्रचार में भाषा अपने निम्न स्तर पर पहुंचती जा रही है। बीजेपी उम्मीदवार ज्योति मिर्धा के इस बयान के बाद ह्यूसर और थाली क्षेत्र की तुलना भी तालिबान से करने को लेकर के भी मामला छाया हुआ है। उन्होंने ये भी कहा है, या यूं कहें कि एक सफाई दी है, कि उन्होंने अपनी क्षेत्र की भाषा में एक बात कही थी, क्योंकि वहाँ की ज़मीन तालिबान की जैसी ही है, ऐसे में उनका तर्क गलत तरीके से ले लिया गया है। चूँकि मरुधरा है और वहाँ की ज़मीन बेहद सख्त और रेतीली है, जैसी कि अफगानिस्तान और तालिबान में होती है। यानी उन्होंने अपनी सफाई देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि उनका मतलब अपराध, या यूं कहें जैसे वहाँ मशीन गन बोलती हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। आपको बता दें कि ह्यूसर से हनुमान बेनीवाल आरएलपी के विधायक भी हैं और सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। नागौर लोकसभा चुनाव 2024 में हनुमान बेनीवाल ज्योति मिर्धा के बीच ये जुबानी जंग तेज होती जा रही है। तालिबान वाले बयान पर हनुमान बेनीवाल की भी अब प्रतिक्रिया सामने आई है। हनुमान बेनीवाल ने ये भी कहा है कि राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र को मारवाड़ी में थली कहा जाता है। ज्योति मिर्धा ने ह्यूसर विधानसभा क्षेत्र को तालिबान की संज्ञा दी है। लोकतंत्र में ऐसे बयानों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, ये बयान बेहद निंदनीय है। हनुमान बेनीवाल ने यह भी कहा कि राजस्थान में बीजेपी की भजन लाल शर्मा सरकार आने के बाद ज्योति मिर्धा ने बाबा साहब के संविधान को बदलने तक की बात कर दी थी। अब फिर से उन्होंने अपने भाषण में वोटों की अपील करते हुए नागौर के ह्यूसर क्षेत्र की तालिबान से संज्ञा दे दी है, ये निंदनीय है, इसको यहाँ की जनता कभी भूल नहीं पाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।